रणबीर कपूर ने अपने बर्थडे के दिन फैंस को शानदार तोहफा दिया है। एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस 2 मिनट 22 सेकंड के टीजर में रणबीर कपूर ने इतने जबरदस्त एक्टिंग करते हुए नजर आए कि एक पल को तो ऐसा लगा कि सही में उन्होंने अपने अंदर के एनिमल को जगा दिया है। टीजर को रिलीज होते ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको बता दें कि चॉकलेटी बॉय से खूंखार रणबीर कपूर बन चुके हैं। इस टीजर की शुरुआत में रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना के साथ टहलते हुए नजर आए। उसके बाद रणबीर व्हाइट कलर का कुर्ता पहने हुए दिखे, तो वही रश्मिका मंदाना व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी हुई नजर आई। रश्मिका रणबीर से पूछती हैं कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? जवाब में एक्टर कहते हैं पिता बनना चाहते हैं। इस पर एक्ट्रेस का जवाब आता है, तुम अपने पिता जैसे तो नहीं होगे ना। जिसके बाद रणबीर रश्मिका को घूरते हुए देखते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से आपने इसके आगे देखा है कि रणबीर बाप से चाटे खाते हुए नजर आते हैं और उनके पिता कहते हैं कि हमारे घर क्रिमिनल पैदा हुआ है। उसके बाद भाई से बेइज्जती होने के बाद वो ऐसी राह पर निकल पड़ते हैं कि हमेशा के लिए ही बदल जाते हैं। टीजर में दिखाया गया है कि वो अपने अंदर के जानवर को जगाकर एकदम बेरहम बन चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बाद बॉबी देओल से भी रणबीर की टक्कर दिखाई जाएगी। दरअसल रणबीर कपूर के अलावा इस टीजर में बॉबी देओल की भी झलक नजर आई है। बॉबी इस फिल्म में एक नजर आखिर में दिखाई दिए। शर्टलेस बॉबी गले में हार पहनकर किसी को इशारा करते हुए दिखाई दिए। वही आपको ये भी बता दे कि इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। अब एनिमल के टीजर के रिलीज होने के बाद से जो फैंस हैं वो खासे एक्साइटेड हो गए हैं इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।